भगवान भाइयों नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मिट्टी प्रबंधन के बारे में, सॉयल मैनेजमेंट क्यों और कैसे किया जाता है। हम अगर सेब बागवानी कर रहे हैं तो सेब का जो पौधा है वो मिट्टी के ऊपर ही उगता है, मिट्टी के ऊपर ही जीवन भर फल देने की प्रक्रिया से भी गुजरता है। तो ऐसे में पौधे का स्वस्थ रहना, पौधे का भोजन, पौधे को जो मिनरल मिलने हैं, जो तत्व उसको मिलने हैं, पोषक तत्व उसको मिलने हैं, वो सभी इस मिट्टी के द्वारा ही मिलने हैं। तो मिट्टी के ऊपर ही पौधे को जीवन भर रहना है और पौधे के स्वास्थ्य जो है वो मिट्टी के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो पौधा स्वस्थ होगा, पौधा स्वस्थ है तो उसके ऊपर क्वालिटी फ्रूट भी आएगा और क्वालिटी फ्रूट भी मिट्टी के पोषक तत्वों के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए मिट्टी के पोषक तत्वों को बरकरार रखना, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखना, ताकि हर साल जब तक बगीचा है, जब तक पौधे से हम फसल लेना चाहते हैं, पौधा बराबर फसल देता रहे, हर वर्ष फसल देता रहे और साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण फसल मिलती रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए हमें मिट्टी के उपजाऊपन को जारी रखना, बरकरार रखना जरूरी होता है। तो मिट्टी के उपजाऊपन को जारी रखने के लिए मिट्टी का प्रबंधन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मिट्टी के प्रबंधन के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए हमें कई तरह से मिट्टी के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि मिट्टी में नमी बनी रहे, जो कि पौधे को सूखे में भी पानी की उपलब्धता बनाए रखेगा। पौधे का भोजन कार्बोहाइड्रेट वो पानी के बगैर बनना संभव नहीं है, क्योंकि पानी नीचे से अगर अपटेक नहीं होगा और पत्ते तक नहीं पहुंचेगा तो फोटोसिंथेसिस क्रिया में जो H2O यानी पानी चाहिए, वो पानी ही जब उपलब्ध नहीं होगा तो पौधा भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाएगा। तो ऐसे में पौधे को निरंतर पानी देने के लिए, पानी की निरंतर आपूर्ति रखने के लिए मिट्टी में नमी का होना बहुत आवश्यक है। और मिट्टी में नमी तभी रहेगी अगर मिट्टी भुरभुरी है, लूज है, उसके पार्टिकल्स मिट्टी के कण अगर अलग अलग दूर दूर स्थित हैं तो ही नमी जो है मिट्टी में बनी रह सकती है। तो ऐसे में मिट्टी के ऑर्गेनिक मैटर को बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए मिट्टी का प्रबंधन करना, मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना और मिट्टी के ऊपर आच्छादन करना, इन चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और मिट्टी के ऊपर खरपतवार ना बढ़े, क्योंकि अगर खरपतवार बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में खरपतवार की जड़ें बहुत गहरी चले जाती है और खरपतवार की जड़ें जब गहरी जाएंगी तो सेब के पौधे की जड़ों के साथ नीचे कंपटीशन करेगी, न्यूट्रेंट को लेकर के भी, पानी को लेकर के भी। तो इस तरह से खरपतवार का नियंत्रण करना, मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए गोबर डालना या फिर प्लांट रेजिड्यू यानी किसी भी फसल के अवशेषों का प्रयोग करना, चाहे किसी भी फसल के पत्तियां हैं, फसल के अवशेष है जैसे पराली है, भूसा है, या फिर किसी भी पौधे, जंगली पौधे की पत्तियां हैं, उसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हम लोग जो है धान का जो भूसा होता है जिसको राइस हस्क कहते हैं, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और भी कई सारे प्लांट रेजिड्यू हैं जिनका प्रयोग हम आच्छादन के तौर पर कर सकते हैं। अगर आप उसको बिछावन के तौर पर मिट्टी के ऊपर डालते हैं तौलिए में, तो ऐसे में वो पानी को भी रिटेन करता है, यानी नमी को भी रिटेन करेगा, पानी की उपलब्धता भी बनाएगा और साथ ही साथ मिट्टी को लूज करने में भी सहायता करता है, मिट्टी के ऑर्गेनिक मैटर को भी बढ़ाता है। इसके साथ साथ मिट्टी के प्रबंधन में, मिट्टी में हम अगर अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं या किसी कीटनाशक का प्रयोग अगर मिट्टी में कर रहे हैं, तो ऐसे में अलग अलग फर्टिलाइजर्स के साथ सिंथेटिक खाद के साथ एसिड्स भी नीचे मिलते हैं, जो कि मिट्टी के पीएच को नीचे करती है, डाउन करती है
और साथ ही साथ अगर मिट्टी का पीएच डाउन होता है तो पौधे को दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, पौधा जमीन से दूसरे न्यूट्रिएंट्स अपटेक नहीं कर पाता है। तो इस तरह से अगर आप नाइट्रोजन जो है एमोनिकल नाइट्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो जो है नीचे एसिड्स ज़्यादा बढ़ाती है और मिट्टी को ज़्यादा अम्लीय बनाती है। तो ऐसे में पीएच जब डाउन हो रहा है तो पौधे को दूसरे न्यूट्रिएंट्स की जो है अपटेक या उपलब्धता नहीं हो पाती है, पौधा उनको अपटेक नहीं कर पाता है। तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं वो फर्टिलाइज़र ज़रूरत के हिसाब से ही डलें। अगर मिट्टी को उस फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है तो ही वो फर्टिलाइज़र डाला जाना चाहिए, अन्यथा फर्टिलाइज़र बेवजह मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए, जो कि मिट्टी के पीएच को नीचे करेगा, नीचे उतारेगा, पीएच डाउन करेगा, जो आगे जा करके पौधे के लिए न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को कम करता है। तो ऐसे में सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग और कीटनाशकों का प्रयोग मिट्टी में अगर आप कर रहे हैं किसी भी बोरर को या किसी भी कीट को कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी आपको सोच समझ करके जानकारी के अनुरूप ही उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। मिट्टी में जब आप सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स या फिर फंजीसाइड या फिर कीटनाशकों का प्रयोग जब करते हैं तो ये मिट्टी के साथ साथ घुल करके अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उस वाटर के साथ मिल करके आगे जब मिट्टी से बाहर वो सोर्स से निकलता है तो ऐसे में वो जा करके नदियों के पानी में मिल जाता है, और जब आगे जानवर या इंसान उस पानी को पीते हैं तो उन इंसानों या जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी वो नुकसानदायक और ख़तरनाक साबित हो सकता है, उनके शरीर को भी वो हानि पहुंचा सकता है। तो ऐसे में मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स या फिर हम अगर कीटनाशक डाल रहे हैं तो उनको डालने से पहले हमें एक बार समझना, सोचना चाहिए, मिट्टी का परीक्षण कर देना चाहिए कि मिट्टी के अंदर क्या वाकई में इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, इन सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता है। हाँ, एक बात ज़रूर है, अगर आप नेचुरल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट का प्रयोग करते हैं, जैसे प्लांट रेजिड्यू है, किसी भी प्लांट से निकाला हुआ कोई न्यूट्रिएंट वाला प्रोडक्ट है उसका आप प्रयोग कर रहे हों, तो वो जो, या फिर गोबर है, गोबर का प्रयोग आप कर रहे हैं, तो ऐसे में इससे जो है मिट्टी के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है और ना ही कोई क्षार या अम्ल जो है मिट्टी में मिलते हैं जो कि मिट्टी के पीएच को नीचे गिराएं। तो ऐसे में जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रेंट्स हैं, चाहे नाइट्रोजन, चाहे पोटाश, चाहे फॉस्फोरस या फिर माइक्रोन्यूट्रेंट्स, वो हमेशा ही मिट्टी के लिए और पर्यावरण के लिए सेफ रहते हैं। तो मिट्टी का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी होता है, आपको समय समय पर मिट्टी में माइक्रोब्स को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आजकल माइक्रोब्स आप जो है लैब से बना हुआ जो माइक्रोब है, जो प्रोडक्ट के तौर पर आपको कहीं भी दुकान में मिलता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जीवामृत बना करके देसी गाय का जब गोबर का प्रयोग करेंगे जीवामृत बनाने के लिए, तो उस देसी गाय के गोबर में जो माइक्रोब्स की संख्या करोड़ों करोड़ है, यहाँ से भी आप जीवामृत के द्वारा, जीवामृत की सहायता से मिट्टी के अंदर अलग अलग माइक्रोब्स की संख्या को कई गुना तक मिट्टी में बढ़ा सकते हैं, जो कि जब आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर मिट्टी में मिलाते हैं तो उन सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को पौधे के लिए अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यही जीवाणु काम करते हैं। तो इन जीवाणुओं की संख्या को मिट्टी में बढ़ाना और इनकी संख्या को मिट्टी में बरकरार रखना, ये भी एक जॉब किसान और बागवान के लिए है, इसका भी ध्यान किसान बागवान को ही रखना है। और दोस्तों, एक चीज़ है जिसको हमारा किसान और बागवान भाई भूलता है, वो है ऑक्सीजन लेवल। जी हाँ, मिट्टी के ऑक्सीजन लेवल का भी हमें ध्यान रखना होता है, मिट्टी में ऑक्सीजन समान रूप से बनी रहनी चाहिए ताकि ज़मीन में रहने वाले माइक्रोब्स को समय समय पर ऑक्सीजन मिले और साथ ही साथ जो पौधे की जड़ें हैं उनको भी ऑक्सीजन मिले। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, मिट्टी में ऑक्सीजन लेवल जो है वो लगातार बना रहे, इसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। तो दोस्तों,
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अधिक जानकारी और विस्तार से जानकारी के लिए आप हमारी ऐप खेतियारी को आज ही डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर में जाकर के, और डिटेल जानकारी मिट्टी के प्रबंधन के ऊपर आप ले सकते हैं, और भी बहुत सारी जानकारियां आपको इस ऐप के ऊपर मिलेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि इस ऐप को कैसे डाउनलोड करें, अगर आप ऐप को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो। तो आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, और बात करेंगे न्यूट्रंट्स के बारे में, कौन कौन से न्यूट्रंट्स, कौन कौन से तत्व जो है पोषक तत्व पौधे को चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए, कब कब पौधे को ये न्यूट्रंट चाहिए होते हैं, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।